टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है भारत, क्योंकि पहले टी20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 काफी ज्यादा घातक। जिया नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के जस्ट बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड आपस में 5 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 टी20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है। आगाज यहां पर होने वाला है 3 मैचों की टी20 सीरीज के साथ, जिस टी20 सीरीज का पहला टी20 मैच हमें 17 नवंबर को भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से जयपुर के स्वाई मानसिंह स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक मैच होने वाला है, और इस वीडियो में आपको इस महामुकाबले से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जहां पर हम बात करेंगे इस महामुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि कितने बजे से कौन कौन से टीवी चैनल्स पर हमें यह मैच लाइव देखने को मिलने वाला है, अपने मोबाइल पर कैसे लाइव देख सकते हो, और भाई दोनों टीमों का हेड टू हेड टी20 फॉर्मेट में क्या रिस्पॉन्स है, क्या परफॉर्मेंस है, मतलब इस मैच का पूरा एनालिसिस आप सभी लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां पर टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टी20 फॉर्मेट में दोनों ही टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत और न्यूजीलैंड टी20 फॉर्मेट में अभी तक कुल 17 बार आमने सामने हुए हैं, जहां पर भाई हर बार हमें तगड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि वर्ल्ड कप में यहां पर भारत नहीं जीत पाया है, लेकिन भाई यहां पर टी20 फॉर्मेट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप देखते हैं तो 17 मैचों में से यहां पर 9 मैच न्यूजीलैंड की टीम ने जीते हैं, 8 मैच भारत की टीम ने जीते हैं। यानी ये जो टक्कर है काफी ज्यादा तगड़ी है, जिसके चलते पहला टी20 मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स के बारे में। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली टी20 सीरीज को स्टार स्पोर्ट्स ही टेलीकास्ट करने वाला है। जी हां, स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो आपका स्टार स्पोर्ट्स 1 हो, स्टार स्पोर्ट्स 2 हो, स्टार स्पोर्ट्स 3 हो, सभी चैनल्स पर हमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली। यानी भाई जिन सभी चैनल्स पर हमें टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस देखने को मिले हैं, उन सभी चैनल्स पर हमें इस सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। वही हम बात कर लेते हैं डिजिटल मीडिया राइट्स की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर इस सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इस महामुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीरीज में भारतीय टीम के काफी सारे सीनियर खिलाड़ियों को आराम पर रखा गया। रोहित शर्मा हमें यहां पर कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं, टीम के वाइस कैप्टन यहां पर केएल राहुल होने वाले हैं। द्रविड़ की कोचिंग के अंडर यह सीरीज होने के लिए जा रही है। तो चलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं इस महामुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस महामुकाबले में भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के साथ वाइस कैप्टन कमाल लाजवाब राहुल। नंबर 3 पर हमें सूर्य कुमार यादव देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पर आएंगे श्रेयस अय्यर। नंबर 5 पर हमें यहां पर ऋषभ पंत देखने को मिलेंगे। नंबर 6 पर वेंकटेश अय्यर को खेलने का मौका मिलेगा। नंबर 7 पर रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 8 पर हर्षल पटेल आने वाले हैं। नंबर 9 पर दीपक चार होंगे। नंबर 10 पर होंगे युजवेंद्र चहल, और नंबर 11 पर हमें मोहम्मद सिराज दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11, काफी खतरनाक ये प्लेइंग 11 निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी पहले टी20 महामुकाबले को, भारत या फिर न्यूजीलैंड, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।